हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर आईएएस यूट्यूब चैनल। और आज यहां पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली मध्य प्रदेश की करंट अफेयर देखेंगे हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंटों के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी जेल प्रहरी, पुलिस कॉन्स्टेबल, शिक्षक वर्ग 1, 2, 3। तो इन सब एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए यहाँ पर डेली करंट अफेयर का एक लेक्चर बनाया जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, तो उसमें सुधार किया जाएगा। आज है 9 अक्टूबर 2020। तो चलिए देखते हैं आज की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो मेरा नाम नारायण पटेल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बी सिविल इंजीनियरिंग कर चुका हूं मैं। यूपीएससी एस्पायरेंट हूं। टीचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है। यूट्यूबर एंड मेंटर। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले कोरोना से संबंधित। तो कोरोना का जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो नए मामले यहाँ पर 1715 नए मामले निकले हैं। इसी के साथ साथ जो सकारात्मक मामले हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, वह है 1,42,022 सकारात्मक मामले हैं। मृत्यु की बात करें तो एक दिन में 29 मृत्यु हुई है यहाँ पर कल। इसी के साथ कुल मृत्यु दर हो चुकी है 2,547 लोग अभी तक मृत हो चुके हैं। ठीक हुए मामलों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2,420 लोग यहाँ पर कल ठीक हुए थे। कुल ठीक हुए मामलों में 1,22,687 लोग हैं। और अगर सकारात्मक मामलों की बात करें टोटल, तो यहाँ पर टोटल 1,76,088 सकारात्मक मामले हैं, यानी कि एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दर बताई जा रही है। वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम है। एक्टिव केसेस की संख्या स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा वही सब चीजें हैं जो कि यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिशत में भी यहाँ पर दिखाया गया है पॉजिटिव वगैरह का, तो आप इसको देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर भी थोड़ा आप एक आइडिया रखें जनरल अवेयरनेस के पर्पज से। आगे बात की जा रही है, मोदी जी ने यहाँ पर आह्वान किया है सबके लिए, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले बात की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू किए गए COVID-19 जागरूकता जन आंदोलन की सराहना की है। तो यह जागरूकता जन आंदोलन शुरू किया गया है इनके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इनके द्वारा कहा गया है सबसे कि जब तक दवाई नहीं आती है तब तक ढिलाई नहीं दी जाएगी। यानी कि देखिए आज के समय में कोरोना कितना तेजी से फैल रहा है। अभी हमने कुछ आंकड़े देखे मध्य प्रदेश के, बाकी आप देश के देखें तो इससे नुकसान हमारा ही है। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक तरीके की प्रार्थना की जा रही है सभी से कि जब तक दवाई नहीं आती है तब तक ढिलाई भी नहीं देनी है। आप हाथ धोएं बार बार, सही तरीके से मास्क को पहने, और भीड़ में जाएं तो मास्क पहने, साथ ही साथ 2 गज की दूरी भी आपको यहाँ पर रखना है। यही सब उपाय हैं जो आज के समय में आपको कोरोना से बचा सकते हैं, जब तक दवाई नहीं आती है। जब दवाई आएगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आप अपनी सावधानी खुद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। आगे बात की जा रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक, यानी कि कल की बात की जा रही है, जन आंदोलन की शुरुआत की। जनता का आंदोलन है क्योंकि हमें ही हमारी सुरक्षा करनी है। और सभी लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की। हम सब लोग अगर एक साथ आएंगे तभी इस महामारी से छुटकारा पा पाएंगे, इसको हरा पाएंगे। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया। तो देखिए अगर लोग इसमें प्रोत्साहित होते हैं, लोग इससे जागरूक हो गए, इसीलिए इसको यहाँ पर इस उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आप सब लोग इस पर थोड़ा ध्यान रखें। इस अभियान के तहत COVID-19 शपथ लेंगे लोग हैं जो COVID-19 में शपथ लेंगे कि हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, मास्क पहनकर ही बाहर जाएंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे। तो इस तरह की शपथ यहाँ पर ली जाएगी। केंद्र सरकार के मंत्रियों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक ठोस कार्य योजना लागू की जाएगी। क्या है यह कार्य योजना, किन निम्नलिखित विशेषताओं के साथ, तो देख लेते हैं इनको यहाँ पर कुछ। यह वह विशेषताएं हैं, नंबर एक है अधिक मामले वाले जिलों में क्षेत्र निर्दिष्ट लक्षित संचार। तो क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाएगा, उसको लक्षित करके यहाँ पर काम किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए सरल और आसानी से समझे जाने वाले संदेश यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी मीडिया मंचों का उपयोग करते हुए पूरे देश में इस अभियान का प्रसार होगा।
फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रायोजन वाले बैनर तथा पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। तो वही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के उपाय किए जाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो, न्यूज हो, या फिर पोस्टर्स हो, तो या फिर ऑटो वगैरह से चल के हो, माइक से प्रसारण करना, तो वो सब उपाय किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर पहुंचाई जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते ये पॉइंट, लेकिन थोड़ी आपको जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बात की जा रही है मध्य प्रदेश में कोविड 19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। अभी वह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, अनुकूल व्यवहार परिवर्तन। अब देखिए, इस तरह के जो अभियान आ रहे हैं, तब अभी क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए, अब ऐसा क्या हो गया कि यह अभियान अभी आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि नवरात्रियां आने वाली है, उसके बाद दीपावली आने वाली है, तो एक जो त्योहार वाला सीजन होता है वह शुरू हो रहा है आज के समय में। तो ऐसे में क्या होता है, लोग भारी मात्रा में सड़कों पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं सामान वगैरह खरीद करने, तो ऐसे में क्या होती है, भीड़ निकल के आती है सड़कों पर और मार्केट में, तो जैसे भीड़ इकट्ठा होगी वैसे ही कोरोना ज्यादा तेजी से फैलेगा। इसी के साथ साथ अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, तो सर्दी के सीजन में और तेजी से कोरोना फैलेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के अभियान शुरू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से कोविड 19 अनुकूलन व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति आई है, इसके अनुसार अभियान 19 नवंबर तक यह चलेगा, जब तक यह त्योहार यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते। राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो ने कल सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से विधानसभा उपचुनाव संबंधी आचार संहिता के अनुरूप अभियान से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। तो देखिए क्या है कि अभी चुनाव उपचुनाव भी होने हैं, त्योहार भी आ रहा है, तो ऐसे इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस तरह के अभियान किए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक रहें, सभी लोग जागरूक रहें। साथ ही इस अभियान की थीम जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी अभी एग्जाम आएगा उसमें पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कोविड 19 व्यवहार अनुकूलन परिवर्तन अभियान शुरू किया गया था, उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था। इसका विषय है सावधानी में ही सुरक्षा है, और पंचलाइन है ये, ठीक है, सावधानी में ही सुरक्षा है, तो इसको थोड़ा याद रखें। आगे बात की जा रही है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए, देखिए केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि सभी राज्य अपने फैसले खुद लें। केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 तारीख से स्कूल खोलना चाहते हैं राज्य, तो वह खोल सकते हैं, वह अपने हिसाब से यह निर्णय ले सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही राज्यों को मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करनी होगी, एसओपी तैयार करनी होगी केंद्र सरकार के यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार। देखिए राज्य सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकती है, लेकिन गाइडलाइंस केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएंगी, उन सभी को यहाँ पर पालन करना होगा। साथ ही उन गाइडलाइंस के थ्रू राज्यों को अपनी गाइडलाइंस भी बनानी पड़ेंगी। तो यह यहाँ पर बात की जा रही है, यह आर्टिकल न्यूज में इसलिए आया क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी कोई गाइडलाइंस तैयार नहीं की है, तो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही कि मध्य प्रदेश सरकार 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे तो वहां पर सब जाएंगे। अभी यहाँ पर प्रदेश में जिस एसओपी के आधार पर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल संचालित हो रहे हैं, इसी आधार पर स्कूलों का संचालन होगा। तो देखिए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही लग रहे हैं 21 सितंबर से, तो जो गाइडलाइंस बन चुकी थी उसी आधार पर यहाँ पर स्कूल वगैरह संचालित हो रहे हैं। यह यहाँ पर न्यूज में आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देखते हैं, यहाँ पर लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए साधिकार समिति का गठन। साधिकार समिति का गठन हो रहा है किसके लिए, लोक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए। साधिकार समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास, ये सब नाम है कौन कौन से सचिव रहेंगे, इसमें कौन कौन से विभाग के लोग इसके सदस्य होंगे, उनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रमुख सचिव, संबंधित विभाग और सदस्य सचिव, प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम होंगे। ये थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी थी। अब हम जान लेते हैं साधिकार समिति गठन के बारे में। देखिए इसको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ आपको। साधिकार समिति के अध्यक्ष लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियों का चयन करने
सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विनिवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुशंसा, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के अधिकतम मूल्य अर्जित करने के लिए संबंधित विभागों से विशेष अनुमति अथवा छूट प्राप्त करना, परिसंपत्ति सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर प्रस्तुत विकल्पों से बेहतर विकल्प का चयन एवं अनुशंसा, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मानक प्रक्रिया एवं अनुबद्ध दस्तावेजों का अनुमोदन, परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के मामले देखे जाएंगे। तो देखिए, जो परिसंपत्तियां हैं, इनकी बेचना हो, इन्हें खरीदना हो, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी, तो उन सभी मामलों की देखरेख इस समिति के द्वारा की जाएगी। इसका यह मेन पॉइंट है। समिति आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद समिति के समक्ष अनुशंसाओं को अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगी। यानी कि यह जो समिति है, सारी इसकी जो भी प्रोसेस रहेगी, सब कुछ देखकर फिर अंतिम प्रोसेस के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजा जाएगा इसको। तो सारी देखरेख यह कर लेंगे और इसका चिंतन मनन भी यह समिति कर लेगी, बाद में मंत्रिपरिषद को भेजी जाएगी। समिति के निर्णय सर्व संबंधित विभागों एवं पक्षों पर बंधनकारी होंगे एवं सर्व संबंधित द्वारा तदनुसार निर्णयों का क्रियान्वयन आवश्यक होगा। यह थोड़ा सा आर्टिकल था, एक समिति आई है इसके बारे में, तो इससे संबंधित जानकारी जो भी आती है तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बात की जा रही है, छोटा सा सेक्शन यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे मिला है, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो अभी एडमिशन चल रहे हैं कॉलेजेस में ट्वेल्थ के बाद से, तो स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है कोरोना के कारण, तो स्टूडेंट काफी परेशान है। कुछ लोगों के स्टूडेंटों के जो है, कुछ के एडमिशन हो गए हैं, कुछ के एडमिशन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन्हें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उतनी जागरूक नहीं है, तो इस कारण से कुछ लोगों के एडमिशन अभी रह गए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के एडमिशन यहाँ पर रह गए हैं। तो ऐसे में अब जो भी न्यूज आती है कॉलेजेस से संबंधित, उस पर जानकारी आवश्यक है। इसी संबंध में बात की जा रही है, बीयू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, मैं अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे एडमिशन। तो देखिए, ऑनलाइन एडमिशन यहाँ से खत्म होंगे यहाँ पर 15 अक्टूबर को, 9 से 15 अक्टूबर यहाँ पर थर्ड राउंड चलना है सीएलसी का। तो जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन खत्म होंगे, फिर ऑफलाइन एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रह गए हैं, तो वह जिसको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिसका जहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पर जाकर ऑफलाइन एडमिशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी इस आर्टिकल को आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर कहा गया है, कितनी सीटें खाली हैं, किस किस सब्जेक्ट में किसकी कितनी फीस है, वो सब सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यह था आज का हमारा डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।